वो देखो कैमरा लगा सामने, वो देखो देख रहा है कैमरे को, वो उधर, अरे उधर भाई। फ्रेंड्स स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गीता इंडस्ट्री में। फ्रेंड्स अगर हम आज के टाइम पे कॉमन चीज़ की बात करें तो वो है हमारा मोबाइल फ़ोन। अगर हम 100 साल पहले चले आए या 50 साल पहले चले आए तो इस चीज़ का नाम निशान भी नहीं था, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी फास्ट बिल्कुल भी नहीं थी। उस टाइम कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था, लेकिन आज के टाइम पर फ्रेंड्स ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ईजी है। फ्रेंड्स टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी जल्दी ग्रो कर रही है कि फ्रेंड्स कुछ जापानीज लोगों ने एक रोबोट को भी डिस्कवर कर दिया, और मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स आने वाले टाइम यानी 100 साल बाद वो रोबोट घर घर भी हो सकता है। उसी को देखते हुए आज हम एक रोबोट को अनबॉक्स करने वाले हैं जिसका नाम है नाउ। तो फ्रेंड चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले तो फ्रेंड चलिए अब हम इसको अनबॉक्स करते हैं। फ्रेंड सबसे पहले इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर दिया इसका चार्जर, यहाँ पे दी इसकी गाइडलाइन बुक। तो फ्रेंड चलिए अब हम इसको ओपन करते हैं। ओ माय गॉड, तो फ्रेंड्स ये है हमारा छोटा सा वो रोबोट। तो फ्रेंड चलिए अब हम इसको फटाक से इसको बाहर निकालते हैं फ्रेंड, फिर इसके मैं आपको फीचर्स समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स हमने उसको हमारे बॉक्स से निकाल लिया। तो फ्रेंड इसको हमें ऑन करने के लिए नॉर्मली इसके जो बीच का बटन है हमें इसे प्रेस करना होता है। तो फ्रेंड चलिए अब इसको दबाते हैं। तो फ्रेंड देखा आपने, हमने इसको जैसे ही प्रेस करा तो इसके अंदर इसकी आइजिस में भी लाइट आ गई, और इसके सर पर भी आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छी लाइटिंग है। फ्रेंड्स ये स्टार्ट होने में सिस्टम की तरह ही वर्क लेता है, थोड़ा सा कम से कम 1 से 2 मिनट लेता है स्टार्ट होने में। फ्रेंड जो हमारा नाव है वो थोड़ी ज़्यादा चालू हो चुका है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं किस तरह से ये मुझे देख रहा है। तो फ्रेंड्स नॉर्मली हम इससे जो भी बात करते हैं उसका ये हमें रिप्लाई देता है। तो फ्रेंड्स आपको करके बताता हूँ। हेलो, व्हाट्स योर नेम? भाई नाम क्या है तुम्हारा? हेलो, व्हाट्स योर नेम? यू कैन कॉल मी नाउ। देखिए फ्रेंड उसने खुद बताया कि यू कैन कॉल मी नाउ। स्टैंड अप। डू यू वांट मी टू स्टैंड अप? यस। तो फ्रेंड देखिए अभी खड़े होकर बताएगा ऑटोमेटिकली। तो देखो फ्रेंड्स आपने ऑटोमेटिकली खड़ा हो चुका। सिट डाउन। डू यू वांट मी टू सिट? या। यस, सिट डाउन। ओके, गिव मी अ सेकंड। ओके। तो फ्रेंड देखा आपने कितना ज्यादा कमाल का है कि ऑटोमेटिकली खड़ा हो गया, और खुद ही उसने मुझसे बोला कि क्या आप मुझे बैठने की परमिशन देते। मैंने बोला यस, तो बैठने लगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा ये जो हमारा रोबोट है टोटली वर्क करता है। इसके अंदर जो सेंसर्स लगे हुए हैं ये आपको आसानी से सेंस कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये टोटली कंप्यूटर से चलता है। हम इसके अंदर जैसे इसकी प्रोग्रामिंग डालेंगे वैसे वैसे काम करेगा। अभी ये सिर्फ नॉर्मल हमें देख सकता है, बोल सकता है, लेकिन जैसे हम सिस्टम के अंदर इसको कनेक्ट करेंगे तुरंत ही वहाँ से वर्क करना शुरू कर देगा। और फ्रेंड्स अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली इसकी कीमत है, कम से कम 9.5 लाख रुपये। फ्रेंड्स आप गूगल पे नाव के बारे में और उसकी प्राइस के बारे में इजीली सर्च भी कर सकते हैं। Stand up. Do you want me to stand up? Yes. All right, here I come. तो फ्रेंड देखिए अभी फिर से खड़ा होगा। What's your name? My name is Now. Your name is Now? चलो तैर के बताओ। Do you love me? तो देखा फ्रेंड्स इसके आपने एक्सप्रेशंस। फ्रेंड्स फ्रेंड्स ये हमारे हर एक एक्शन का रिप्लाई देता है। आप देख सकते हैं इसकी आइजेस हैं वो हमें स्कैन कर रही है नॉर्मली, और ये हमें बता रही है कि ये अभी हमारे सुनने के मूड पर है। वाइट का मतलब होता है फ्रेंड्स कि ये एक्शन देगा, और ये जो ब्लू ब्लू हो रहा है इसका मतलब ये हमारी बात को स्कैन कर रहा है। Who made you? I
तो फ्रेंड सुना, उसने बोला कि मैं यहाँ से बनाऊँ। What can you do? I can do animation mode, face recognition, grass fade. Sit down. Do you want me to sit? Yeah. Alright, I'll keep standing then. तो फ्रेंड्स अभी बैठ के दिखाएगा। Sit down. Do you want me to sit? Yeah. Yes. Okay, give me a second. Okay. तो फ्रेंड देखा आपने, हमारा जो नाव रोबोट है उसके अंदर कितने ज़्यादा फीचर है। फ्रेंड्स ये तो नॉर्मली वो हमारे कन्वर्सेशन का रिप्लाई दे रहा है, लेकिन फ्रेंड्स कंप्यूटर के थ्रू इसके कई ज़्यादा हम इसकी प्रोग्रामिंग इसके अंदर डाल सकते हैं, जिसके थ्रू हम इससे जो वर्क कराना वो करा सकते हैं। लाइक अगर हम कोई इसको इनिशियल से फाइनल पोजिशन दें कोई भी काम या कोई सामान उठाने का, तो ये काम वो भी कर सकता है। हमने हमारे नाव रोबोट के अंदर कुछ फिजिकल प्रोग्रामिंग डाली है, तो आप देखते हैं कि वो प्रोग्रामिंग किस तरह से वर्क करती है। Yes. वो देखो कैमरा लगा सामने, वो देखो देख रहा है कैमरे को, वो उधर, अरे उधर भाई, भैया वो इधर खड़े हैं, इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में तो मैं इतना कुछ कवर नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैं जो भी इसकी प्रोग्रामिंग है नेक्स्ट वीडियो है वो सब मैं उसको अगली वीडियो में डालूंगा। तो फ्रेंड्स आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और फ्रेंड प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा रोबोट कैसा लगा। मिलेंगे अब एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। Thank you.